हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल, योर डिजिटल लीगल स्टूडियो। एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज 19 फरवरी 2022 का हिंदू न्यूज़ एनालिसिस शुरू करते हैं। तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है परफेक्टली, और ऑडियो विजुअल्स अगर एकदम ठीक है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, राइट एवरीवन। चलिए ठीक है, तो पहली खबर जो देखने को मिलती है, दैट इज 38 अवार्डेड डेथ पेनल्टी इन द अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस। स्पेशल कोर्ट टर्म्स इट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, इसलिए डेथ पेनल्टी मिली है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, 11 फेसेस लाइफ इंप्रिजनमेंट अंटिल डेथ, मतलब जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक जेल में ही रहेंगे, राइट एवरीवन। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। ऑल परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच मिस्टर गणेश, गुड मॉर्निंग मिस्टर पाठक, गुड मॉर्निंग मिस्टर गणेश। अ स्पेशल कोर्ट ऑन फ्राइडे अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी टू 38 कन्विक्ट्स, 38 लोगों को डेथ पेनल्टी एंड सेंटेंस 11 अदर्स टू लाइफ इंप्रिजनमेंट अंटिल डेथ, और 11 को आजीवन कारावास फॉर द 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट इन विच 56 पीपल वर किल्ड एंड ओवर 200 इंजर्ड। 200 लोग घायल हुए थे, 56 लोग मारे गए थे अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में। उसमें फैसला आया कोर्ट का, 38 लोगों को दे दिया है मृत्यु दंड की सजा और 11 को आजीवन कारावास। द कोर्ट एक्वेटेड 28 अक्यूज्ड ऑन फरवरी 8, 28 को छोड़ दिया गया था व्हेन इट डिलीवर द वर्डिक्ट नियरली 14 ईयर्स आफ्टर बॉम्ब्स वेंट ऑफ अक्रॉस द सिटी। लगभग 14 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। गुड मॉर्निंग वैदई। इंक्लूडिंग एट अ हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे, स्पेशल कोर्ट जज A.R. पटेल प्रोनाउंस द सेंटेंस। द कन्विक्ट्स वर मेंबर्स ऑफ इंडियन मुजाहिदीन, जो कन्विक्ट्स थे वो IM के मेंबर थे इंडियन मुजाहिदीन के। एन आउटफिट फ्लोटेड बाय द ऑपरेटिव्स ऑफ द बैंड ऑर्गेनाइजेशन द स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी के लोग थे। दे वर ट्रेन टू कैरी आउट ब्लास्ट इन अहमदाबाद एज रेट्रीब्यूशन फॉर द 2002 रायट्स इन द गुजरात, गुजरात के 2002 के दंगों का मतलब रेट्रीब्यूट करने के लिए उनको उनका बदला लेने के तौर पर इंडियन मुजाहिदीन और सिमी ने मिलकर इसको अंजाम दिया था। द प्रोसिक्यूशन शॉट कैपिटल पनिशमेंट फॉर ऑल 49 कन्विक्ट्स वाइल द डिफेंस अर्ज द कोर्ट टू शो लीनियंसी कंसीडरिंग देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। प्रोसिक्यूशन ने तो सबके लिए कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कोर्ट थोड़ा सा लीनियंसी दिखाए उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए। इन द ओवर 7000 पेज जजमेंट द कोर्ट टर्म द केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर, 7000 पन्नों में जजमेंट आया, कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में रखा है, गंभीर से भी गंभीर दुष्कर अपराध। कंपनसेशन ऑर्डर, द कोर्ट ऑल्सो अवॉर्डेड कंपनसेशन ऑफ ₹1 lakh फॉर द केन ऑफ दोज वो डाइड इन द ब्लास्ट, 50,000 टू दोज वो वर सीरियसली इंजर्ड एंड 25,000 फॉर दोज वो रिसीव्ड माइनर इंजरीज, छोटी इंजरीज के लिए ₹25,000 और बाकी के लिए जो सीरियसली इंजर्ड थे ₹50,000, जो लोग मारे गए उनके किन्स को जो कंपनसेशन ₹1 lakh। अकॉर्डिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित पटेल, द 38 पर्सन वर कन्विक्टेड अंडर द इंडियन पीनल कोड्स IPC सेक्शन 302-102B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मर्डर एंड द प्रोविजन ऑफ द UAPA एंड लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 11 अदर्स वर हेल्ड गिल्टी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर वेरियस UAPA सेक्शन। दिस इज द हाइएस्ट नंबर ऑफ कन्विक्ट अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस इन अ क्रिमिनल केस। अर्लियर द हाइएस्ट नंबर वर 26 कन्विक्ट वर अवार्डेड डेथ पेनल्टी इन द असैसिनेशन केस। तो ये हाईएस्ट नंबर है, इससे पहले 26 था और इसमें 38 कन्विक्ट को मिला है, 11 को लाइफ इंप्रिजनमेंट, राइट। चलिए एक खबर यहाँ पर है इस कोने में, ये कहती है इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात साइन मेजर ट्रेड पैक्ट। ये हमने कल भी डिस्कस किया था ना कि ये लोग साइन करने वाले हैं। इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात साइंड ए बायलेटरल कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड पैक ऑन फ्राइडे अनाउंसिंग द कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लिख लो इसको सीपा, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द बिगेस्ट ट्रेड पैक्ट ऑफ द लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों का सबसे बड़ा ट्रेड पैक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गल्फ कंट्री इन टू द जम्मू एंड कश्मीर एंड सेड दैट द इनिशिएटिव वुड ओपन द न्यू रोड्स फॉर द रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एंड एडवांस कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इसराइल, द UAE एंड द US, राइट एवरीवन। इंडिया और UAE का एक लाइक कमर्शियल ट्रेड पैक है, जो वो एग्रीमेंट है, साइन हो गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गुड मॉर्निंग खुशी, हाय वैदेही, हेलो स्नेहा, हेलो सुचिता, हाय प्रणय प्रकाश, वेलकम टू द चैनल गाइस। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर देखते हैं हमारे मतलब की जो है।
ब्राजील एम्बेसी सेलिब्रेट 200 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको। विद अ सीरीज ऑफ एग्जीबिशन अक्रॉस द कैपिटल द कंट्री शो केशिंग इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। टू सेलिब्रेट 200 ईयर ऑफ द ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस दिस ईयर द एम्बेसी ऑफ द ब्राजील इज ऑर्गेनाइजिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स टू शो केस द कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। 200 साल पूरे होने पर ब्राजील शोकेस कर रहा है कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड में। द सेलिब्रेशन हैव बिगन विद एन एग्जीबिशन ऑफ फोटोग्राफ्स बाय द लियोनार्डो फिनोटी ऑफ द वर्क्स ऑफ लैंडस्केप डिजाइनर रॉबर्टो ब्रूली मार्क्स बीइंग डिस्प्ले एट द स्प्रॉलिंग सुंदर नर्सरी। तो यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी थी, वो बताया गया है इसमें कौन कौन से पेंटर्स की थी। द एग्जीबिशन शोकेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ ब्रूल मार्क्स एंड द सिमेट्री ऑफ द मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन्स। क्या था इसमें एग्जीबिशन में? ब्रूल मार्क्स लैंडस्केपिंग वर्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न ब्राजील। याद रखना ये ब्रूल मार्क्स का नाम लिख लो। लैंडस्केपिंग वर्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडर्न ब्राजील वेयर ही क्रिएटेड अ न्यू एस्थेटिक बाय ब्लेंडिंग क्लियरली प्लान डिजाइन विद वाइल्ड अनटच्ड नेचर, अ सटल ट्रांजिशन बिटवीन द डिजाइनर लैंडस्केप एंड वाइल्डनेस। ब्राजीलियन एम्बेसडर टू इंडिया आंद्रे अरनाहा कोरिया डी लागो सेड अपार्ट फ्रॉम द ऑनगोइंग एग्जीबिशन एट सुंदर नर्सरी द अदर इवेंट्स प्लान टू स्ट्रेंथन द टाइज विद इंडिया ड्यूरिंग ब्राजील 200th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंक्लूड टू मोर एग्जीबिशन बिल्डिंग ब्राजील 1822 से लेकर 2022 उसका टाइटल रहेगा एट द इंडियन हैबिटेट सेंटर एंड ब्राजीलिया 60 ईयर्स प्लस एट द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ये इवेंट होने जा रहे। तो कौन से ईयर, कौन से कंट्री ने अपने 200 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया? देन द आंसर विल बी द ब्राजील, राइट। आगे चलते हैं। ओके, वियरिंग हिजाब नॉट पार्ट ऑफ द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। चलो मुझे बताओ, मैंने बताया था DHN में कौन से केस में डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है, याद है उस केस का नाम आप लोगों को? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, एक पुराना केस है सुप्रीम कोर्ट का, लैंडमार्क जजमेंट केस है, किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। इट हैज़ टू पास द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी, एक डॉक्ट्राइन भी है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी की, एन इंडिविजुअल डिग्निटी, एजी टेल्स कर्नाटक हाई कोर्ट कंटेंटिंग दैट वियरिंग हिजाब वॉज नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रोटेक्टेड। ऋषभ पाठक कह रहे हैं वाला, कौन से वाला ऋषभ पाठक? शिशुर मठ, हाँ शिशुर मठ, वेरी गुड, शिशुर नहीं शिशुर मठ केस, वेरी गुड ऋषभ, यू हैव गुड मेमोरी। कंटेंटिंग दैट वियरिंग हिजाब वॉज नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोटेक्टेड अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नावा देगी ऑन फ्राइडे टोल्ड हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक दैट द क्लेम्स ऑन वियरिंग हिजाब वुड ऑल्सो हैव टू पास द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी एज इंटरप्रिटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट इन द सबरीमला केस। तो यहाँ पर वकील साहब एडवोकेट जनरल है प्रभुलिंग के नवदगी, ये क्या कह रहे हैं कि जो हिजाब पहनने का है कि हिजाब इज अ एसेंशियल प्रैक्टिस, दिस हैज़ टू पास द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी और इंडिविजुअल डिग्निटी का इसको टेस्ट पास करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला केस में बताया था। कमेंसिंग हिज आर्ग्यूमेंट ऑन पिटिशन फाइल्ड बाई द मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट क्वेश्चनिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन वियरिंग हिजाब इन क्लास रूम, मिस्टर नवदगी जस्टिफाइड बिफोर अ 3-judge बेंच हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी द February 5, 2022 गवर्नमेंट ऑर्डर विच लेड डाउन द गाइडलाइंस ऑन द यूनिफॉर्म इन स्कूल एंड द प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, राइट एवरीवन। तो ये उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इट हैज़ टू पास द टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी एज सेड बाई कोर्ट इन सबरीमला केस। उसके बाद ये है टाइगर कब रेस्क्यूड फ्रॉम द केरला कॉफी प्लांटेशन, कुछ खास नहीं है, गड्ढे में गिर गया था, 6 महीने का बच्चा है, बचा लिया गया, क्यूट सा बच्चा है। आगे चलते हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटिंग बिगेन्स इन मैसूरू, राइट एवरीवन। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटिंग बिगेन्स इन मैसूरू, 62 स्पीसीज आइडेंटिफाइड एट द कुर्राखाली लेक, द फर्स्ट डे ऑफ ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC, याद रखना GBBC, द फर्स्ट डे ऑफ ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इन मैसूरू विच किक्ड ऑफ ऑन फ्राइडे हैज रीइंफोर्स्ड द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कुक्करहाली लेक एंड द इंपेरेटिव्स ऑफ इट कंजर्वेशन। कुक्करहाली लेक, राइट, मैसूरू में फॉर एज मैनी एज 62 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स वर फाउंड इन द लेक प्रेसेंटिस विच इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द सिटी एंड हैज इमर्ज द फेवरेट स्पॉट फॉर द मॉर्निंग वॉकर्स इन द मैसूरू।
तो याद रखना कुक्कराली लेक कहाँ पर है, ए मेजर लंग स्पेस। एनवायरमेंटलिस्ट आर कॉन्स्टेंटली बैटलिंग द अथॉरिटीज कीन ऑन प्रमोटिंग डेवलपमेंट टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द लेक एंड इट्स इकोसिस्टम। द GBBC इज अ ग्लोबल इवेंट, अब इम्पोर्टेंट है ये जो है ना, GBBC इज अ ग्लोबल इवेंट है ये, एंटेलिंग बैकयार्ड बर्ड काउंट एंड इज बींग हेल्ड फॉर 4 डे अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम फरवरी 18 to 21। 4 दिन के लिए होता है, पूरी दुनिया में होता है, ग्लोबल इवेंट है और 18 से लेके 21 फरवरी तक होता है। एंड द डाटा अपलोडेड विल बी हार्नेस्ट फॉर द कंजर्वेशन। याद रखना GBBC हर साल होता है, 4 दिन के लिए होता है, फरवरी 18 से 21 के बीच में होता है और पूरे विश्व में होता है। इट इज बींग कोऑर्डिनेटेड इन इंडिया बाई ई बर्ड इंडिया एंड बर्ड काउंट इंडिया। इंडिया में कौन इसको कोऑर्डिनेट करता है? ई बर्ड इंडिया और बर्ड काउंट इंडिया। नेचुरलिस्ट इन मैसूर हैव ऑर्गेनाइज द बर्ड वॉचिंग सेशन फ्रॉम 7 AM to 10 AM टू वेरियस लोकेशंस। बर्ड वॉचिंग सेशन भी होता है। ऑफ द 62 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आइडेंटिफाई ऑन द फर्स्ट डे देयर वर द ब्रोंज विंग्ड जकाना, रेजिडेंट है यहीं का, इन गुड नंबर्स, वाइल द हाईलाइट वॉज द प्रेजेंस ऑफ इंडियन पिटा विच इज अ माइग्रेटरी बर्ड। देयर वर 20 यूरेशियन मोरन एंड अबाउट 150 पेंटेड स्टॉक। वुड सेंट पाइपर विच इज द माइग्रेटरी बर्ड वॉज ऑल्सो आइडेंटिफाई अपार्ट फ्रॉम द ग्रे हर्न एंड ब्लैक क्राउंड नाइट हर्न अमंग अदर्स अकॉर्डिंग टू द तनुजा एंड इको एजुकेशनलिस्ट हु इज कोऑर्डिनेटिंग द इवेंट इन मसूरू विद द शैलजेश एंड एविड बर्ड वॉचर हु टेक इंटरेस्ट इन डॉक्यूमेंटिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द मैसूरू। राइट एवरीवन, GBBC की डिटेल मिल गई है हमें। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ईयरली होता है 18 से 21 फरवरी के बीच में और पूरे विश्व में मनाया जाता है। राइट, आ रहा है समझ में? चलते हैं अगली खबर की तरफ। रशिया वेलकम्स इंडिया स्टैंड ऑन ईस्टर्न यूक्रेन सिचुएशन। इश्यू कैन बी रिजोल्व्ड ओनली थ्रू डिप्लोमेटिक डायलॉग सेज इंडिया एट यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। राइट, द रशियन एम्बेसी हियर ऑन फ्राइडे वेलकम इंडियाज बैलेंस प्रिंसिपल एंड इंडिपेंडेंट अप्रोच। तो इंडिया का जो बैलेंस प्रिंसिपल है और इंडिपेंडेंट अप्रोच है उसका लाइक सम्मान किया रशिया ने, कहा हमें अच्छा लगा। इन रेस्पॉन्स टू द इंडियाज स्टेटमेंट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वेलकमिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिन्स्क एग्रीमेंट विच इट सेड प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर द नेगोशिएटेड एंड द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द सिचुएशन इन ईस्टर्न यूक्रेन। तो कहने का मतलब है, इन्होंने कहा है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में मामला चल रहा है ना, वो बातचीत करके सुलझा लो यार, प्यार मोहब्बत से सुलझा लो। तो रशिया ने कहा हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, समझ रहे हो आप। एनी स्टेप दैट, असली बात समझो, एनी स्टेप दैट इंक्रीज टेंशन मे बी अवॉइडेड बाई ऑल द साइड इट स्टेटेड। भारत ने कहा कि लाइक अगर कोई ऐसा स्टेप है किसी भी साइड का जिससे टेंशन क्रिएट हो सकता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। यूक्रेन हैज एक्यूज्ड रशिया ऑफ सीज फायर वायोलेशन इन द रीजन्स ऑफ द डोंट्स एंड द लुहांस्क एंड यूजिंग वेपन प्रोहिबिटेड बाई द मिन्स्क एग्रीमेंट। तो मिन्स्क एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें था कि आप कौन कौन से वेपन नहीं इस्तेमाल करेंगे, सीज फायर करेंगे, तो रशिया उन सबका उल्लंघन कर रहा है, ऐसा यूक्रेन का कहना है। इट स्टेटेड दैट देयर आर्म्ड फोर्सेज स्ट्रिक्टली एडियर टू द मिन्स्क एग्रीमेंट एंड नॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन को देखते हुए, तुम्हें मिन्स्क एग्रीमेंट एक बार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, MINS के मिन्स्क एग्रीमेंट। लिख लिया आप लोगों ने मिन्स्क एग्रीमेंट? राइट, इट स्टेटेड दैट देयर आर्म्ड फोर्सेज स्ट्रिक्टली एडियर टू द मिन्स्क एग्रीमेंट एंड द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। स्पीकिंग एट द यूएनएससी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिन्स एग्रीमेंट ऑन यूक्रेन, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UNTS त्रिमूर्ति सेड, उन्होंने क्या कहा, द वेलबींग ऑफ इंडियन नेशनल्स इज प्रायोरिटी टू अस। भारतीय नेशनल्स की, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है जो यूक्रेन में इस वक्त। वेलकमिंग द एफर्ट्स अंडर वे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिन्स एग्रीमेंट इंक्लूडिंग थ्रू द ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप। इसमें ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप इंपॉर्टेंट है। अंडर द नॉर्मेंडी फॉर्मेट ही अर्ज्ड ऑल पार्टीज टू कंटिन्यू टू एंगेज थ्रू ऑल पॉसिबल डिप्लोमेटिक चैनल्स एंड कीप वर्किंग टूवर्ड्स द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। राइट, चले अगली खबर की तरफ। लिख लिया मिन्स एग्रीमेंट, पढ़ना है आप लोगों को। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन इज अ प्रायोरिटी, मोदी जी ने कहा है कि अहमदाबाद से मुंबई की जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो हमारी प्रायोरिटी है। वाइल डेडिकेटिंग टू द नेशन टू एडिशनल रेलवे लाइन्स कनेक्टिंग द थाने एंड द दीवा सबर्ब्स इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। याद रखना कहाँ से कहाँ तक, थाने एंड दीवा सबर्ब में
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे डिड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू रिमाइंड द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन अ प्रोजेक्ट विच हैज टेकन द बैक सीट अंडर द महाराष्ट्र ट्राइपार्टाइट महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट। तो लाइक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ जब से कट्टी हुई है ना कट्टी उद्धव ठाकरे के साथ तब से इस प्रोजेक्ट ने भी बैक सीट ले ली है। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल इज अ कंट्रीज नीड एंड इट विल स्ट्रेंथन मुंबई आइडेंटिटी। मॉर्निंग विवेक एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट रैपिडली इज अवर प्रायोरिटी मिस्टर मोदी सेड। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे एंड द एमवीए महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट हैव बीन कंस्टेंटली क्वेश्चनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द मल्टी थाउजेंड करोड़ प्रोजेक्ट। वो क्वेश्चन उठा रहे हैं इसके ऊपर एंड इट हैज इवन बीन एलिज्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द सेंटर ऑन द प्रोजेक्ट। राइट, कि वो प्रोजेक्ट पर सेंटर लाइक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये समस्या होती है ना जब सेंटर में सरकार दूसरी हो स्टेट में दूसरी हो। अब यूपी में और उत्तराखंड में बीजेपी है तो मोदी जी कह रहे हैं ना डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। मिस्टर मोदी यूज द अपॉर्चुनिटी टू कैंपेन फॉर द अपकमिंग सिविक पोल्स इन मुंबई एंड द एमएमआर बाय काउंटिंग हिज गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू इंप्रूव द रेल नेटवर्क इन एंड अराउंड द मुंबई। राइट एवरीवन, चलते हैं अगली खबर की तरफ। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री वॉन्स आईबी मिनिस्ट्री वॉन्स ऑफिशियल ऑन डेटा सिक्योरिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज है जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस खबर में, बाकी तो कहानियां हैं वो बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। डोंट शेयर सीक्रेट डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। द इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज प्रोहिबिटेड द शेयरिंग ऑफ द टॉप सीक्रेट और द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बाय इट्स ऑफिशियल ओवर इंटरनेट। मना कर दिया टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपको लाइक शेयर नहीं करने। सॉरी, they have also been told not to use digital assistant devices। आप Amazon Echo नहीं यूज करेंगे, Apple Home Pod यूज नहीं करेंगे, Google Home in the office and the ton of digital assistant। अपने लैपटॉप मोबाइल में डिजिटल असिस्टेंट भी बंद कर दो, इंक्लूडिंग Alexa को बंद कर दो, Siri को बंद कर दो इन देयर स्मार्टफोन्स और वॉचेस। द ऑफिशियल आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट देयर स्मार्टफोन आउटसाइड द मीटिंग रूम ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन द क्लासिफाइड इशूज। कि जब भी क्लासिफाइड इश्यूज होंगे अपने फोन आप बाहर ही जमा करवा देंगे। सेट द ऑर्डर दैट हैज बीन इशूड अ व्यू ऑफ फाइंडिंग दैट द लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज प्राइवेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो प्राइवेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हमारी तरह व्हाट्सएप और टेलीग्राम, फॉर कम्युनिकेशन ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। द मिनिस्ट्री सेट सच अ प्रैक्टिस वायलेटेड द डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस एंड द नेशनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी गाइडलाइंस। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है, साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप ग्रेड एनक्रिप्शन मैकेनिज्म इज डिप्लॉयड द एसएजी फंक्शन अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से देखो, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड द टॉप सीक्रेट एंड द सीक्रेट डॉक्यूमेंट बी शेयर्ड ओनली इन द क्लोज नेटवर्क। कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट अगर आप शेयर करोगे तो वो क्लोज नेटवर्क में उसको शेयर करना, ठीक है, क्लोज नेटवर्क विद द लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी, जहां पर लीज लाइन की कनेक्टिविटी हो, वेयर द साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप ग्रेड एनक्रिप्शन मैकेनिज्म इज डिप्लॉय। मतलब ऐसे नेटवर्क पर जहां पर एसएजी एनक्रिप्शन को डिप्लॉय किया गया हो और आपके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को आपके अलावा और कोई देख ना सके। द एसएजी फंक्शन अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। तो एसएजी लिख लो, एसएजी पढ़ना है, राइट। उसके बाद चलते हैं अगली खबर की तरफ, खबरनामा कंप्लीट करते हैं आज का अपना, राइट। चलिए, चाइल्ड रेस्ट्रेन सिस्टम टू कम अप ऑन फ्लाइट्स। ठीक है, चाइल्ड रेस्ट्रेन सिस्टम आएगा फ्लाइट्स पर। डीजीसीए ऑर्डर टू इंस्टॉल सेफ्टी फीचर्स। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन has sent an advisory to the all airline operator to implement the child restraint system। कि child restraint system implement करो, specifically design किया गया है to protect and restrain an infant or child during all phases of flight। किसी भी बच्चे को या infant को during all phases of flight उसको restrain करने के लिए, बच्चे को अच्छे से उसकी protection के लिए। Acting on the recommendation of the subcommittee constituted after the Air India Express accident in Kozhikode on August 7, 2020, the aviation watchdog has decided to incorporate a child restraint system as a part of their air safety management protocol। Air safety management protocol के तौर पर child restraint system को अब adopt किया जाएगा। CRS लिख लो, child restraint system। Internal harnesses,
ए चाइल्ड रेस्टोरेंट सिस्टम टिपिकली हैज एन इंटरनल हार्नेस एंड बेल्ट कॉम्बिनेशन. एक हार्नेस होती है और बेल्ट कॉम्बिनेशन होता है. द डिवाइस नीड टू इंटरफेस विद द एयरक्राफ्ट सीट. एयरक्राफ्ट सीट के साथ उसको इंटरफेस करेंगे. दिस इंक्लूड डिवाइस दैट आर सिक्योर्ड यूजिंग द एयरक्राफ्ट सीट बेल्ट एज वेल एज सिस्टम दैट सिक्योर्ड द डिवाइस टू द एयरक्राफ्ट सीट. द डीजीए सेड इन एडवाइजरी. ठीक है, चलते हैं आगे. उसके बाद आता है न्यू जीको फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गेट आर्मी टैग. न्यू जीको, जीको या गीको जो भी आप कहें, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गेट आर्मी टैग. टू मोर स्पीशीज ऑफ लिजार्ड नेम्ड आफ्टर द प्लेसेज ऑफ देयर अकरेंस. अ लिजार्ड न्यू टू साइंस इज वियरिंग द इंडियन आर्मीज टैग. इंडियन आर्मी का टैग मिला है इसको. इसके देख रहे हैं आप, इसका कलर जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आर्मी की ड्रेस होती है बेसिकली. अ टीम ऑफ द हेप्रोटोलॉजिस्ट हैव रिकॉर्डेड अ न्यू स्पीशीज ऑफ बेंट टोड जीको फ्रॉम अ वुडन पार्ट ऑफ द उमरोई मिलिट्री स्टेशन इन मेघालय. कहाँ मिली है? उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में मिली है. इट्स साइंटिफिक नेम इज क्राइटोडेक्टुलस एक्सकर्सिटस एंड इंग्लिश नेम इज इंडियन आर्मीज बेंट टोड जीको. इसका साइंटिफिक नेम तो ये हो गया आपका क्राइटोडेक्टुलस एक्सट्रिशियस, एंड इंग्लिश नेम क्या हो गया? इंडियन आर्मी बेंट टोड जीको. कहां मिली है? उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में मिली है. एक्सरसिटस इज अ लेटिन मींस आर्मी. एक्सरसिटस का मतलब लेटिन में आर्मी होता है. द नेम वाज गिवन टू होनर द आर्मी फॉर इट्स सर्विसेज टू द कंट्री. द मिलिट्री स्टेशन वेयर द बेंट टोड जीको वॉज डिस्कवर्ड वॉज ऑल्सो ए फैक्टर बिहाइंड इट्स नेम. जादितिया प्रुकियास था ऑफ द ग्रीन एनजीओ हेल्प अर्थ एंड ऑफ द ऑथर्स ऑफ द स्टडी टू द जीको टोल्ड द हिंदू ऑन फ्राइडे. द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी वॉज पब्लिश इन द लेटेस्ट इश्यू ऑफ द यूरोपियन जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी में भी छप गया ये. ठीक है, द पेपर रिकॉर्डेड अनदर न्यू बेंट टोड जीको द क्राइटोडेक्टुलस सेंचिस नेम आफ्टर द मिजोरम सिन्ना डिस्ट्रिक्ट वेयर इट वॉज फाउंड. दूसरी भी इंक्लूड हुई है, लिख लो उसका भी नाम, क्राइटोडेक्टुलस सिनेसिस नेम्ड आफ्टर मिजोरम सिहा डिस्ट्रिक्ट वेयर इट वॉज फाउंड. दीज लिजार्ड स्पेशलिस्ट हैड इन अ सेपरेट स्टडी रिकॉर्डेड द साइरोटेक्टुलस लुंगलेंसिस अ न्यू स्पेशीज ऑफ बेंट टोड जीको नेम आफ्टर द मिजोरम लुंगलेई टाउन. तो तीन है बेसिकली, इन तीनों के नाम आप लिख लीजिए और एक बार देख लीजिएगा कौन सी कहाँ पर मिली है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. राइट, अपन चलते हैं आगे. ठीक है, आज का हिंदू हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है जितना भी इम्पोर्टेंट है. अभी दिस इज द टाइम टू वाइंड अप दिस सेशन. अगर आपका कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इफ देयर इज समथिंग, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन. राइट एवरीवन, ऋषभ, उत्कर्ष, प्रणय, स्नेहा, संचिता, खुशी, वैदेही, विवेक रंजन द स्टैलियन, एनीथिंग एल्स गाइज? प्रणय प्रकाश. और अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. और ऐसे ही आते रहिए. ठीक है गाइस, फिर दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे. सर आजकल हिंदू में काम का क्यों नहीं आता है? नहीं गणेश, जितना काम का आता है उतना हम कवर कर लेते हैं. और तुम्हें खुश होना चाहिए कि कभी कभी हिंदू तुम्हारा थोड़ा आता है, कम आता है. राइट, थैंक यू सर. ठीक है गाइस, दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे. सी यू टुमारो विद अ न्यू हिंदू वीडियो एनालिसिस. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.